ही नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक सेटिंग वीडियो में। गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे अपने आर्डिनो को अपने ड्रोन में अटैच कर सकते हो, उसमें जायरो सेंसर को ऐड कर सकते हो। आज से मैं आर्डिनो और जायरो सेंसर का वायरिंग करना सिखाऊंगा आपको, जायरो सेंसर कौन सी जगह पे लगाना चाहिए, आर्डिनो को कहाँ पे रखना चाहिए, कौन सा जगह सुइटेबल है, उन सब के बारे में बताऊंगा। वायरिंग कैसे करते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वायरिंग काफ़ी बड़ा है तो इसलिए आप सर्किट डायग्राम देख के समझ सकते हो। मैं आगे जाके आपको सर्किट डायग्राम दिखा दूंगा, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार आप अपने पूरा वायरिंग को कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि ये ना मेरा ड्रोन, अब मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप से मैंने यहाँ पे आर्डिनो को प्लेस कर दिया है, देख सकते हो। ठीक है, मैं नीचे देखते हो डबल यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डबल साइडेड टेप नीचे लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है ताकि काम बहुत ही काम ज़्यादा लंबा ना हो और शॉर्ट हो जाए, मतलब जो वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो। और यहाँ पे देख सकते हो एम पी यू 6050, एक जायरो सेंसर और एक्सेलेरोमीटर है। इसे मैंने बाय किया था अमेजोन फ्लिपकार्ट से, रूपये ये सही मिला और काफ़ी चीप प्राइस में मिला मुझे, 250 रुपीज़ का पड़ा, 250 रुपीज़ नहीं, अराउंड 237 मीन्स 240 रुपीज़ का मुझे पड़ा और काफ़ी चीप प्राइस में मिला, तो आप ये इजीली बाय कर सकते हो। मैं मार्केट में आपको जो फ्लैट कंट्रोलर मिलता है वो तकरीबन 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है, उसका प्राइस आगे बहुत बहुत होता है। मैं सोचा क्यों ना एक जायरो सेंसर और आर्डिनो का यूज़ करके एक फ्लैट कंट्रोलर बनाया जाए और इसे उड़ा के देखा जाए। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इसका वायरिंग करना सिखाऊंगा, कैसे आप इसे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। या आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो ट्रांसमीटर है उसके साथ बाइंड करके इसे चला सकते हो, उड़ा सकते हो, तो वो लास्ट वीडियो होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं इसे कैसे मतलब कनेक्ट करते हैं जायरो सेंसर और एक्सेलेरोमीटर को कैसे आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्दर लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसे असेंबल कर चुका हूँ, मैं मतलब डबल साइडेड टेप से देख मैंने इस डबल साइड टेप से मैंने इसे यहाँ पे फिट कर चुका। अब बारी आती है इस एम पी यू 6050 जायरो सेंसर एक्सेलेरोमीटर के बारे में। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इसके पिन है, ठीक है, तो इन सब पिन्स यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास कनेक्टर नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सोल्डरिंग कर दूंगा और जितना भी आपको जो सर्किट डायग्राम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप सर्किट डायग्राम को देख के यहाँ से बना सकते हो, इसका पूरा कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये अभी मैं इसे यहाँ पे नीचे इंस्टॉल कर दूंगा, मतलब फिक्स कर दूंगा। मैं आप इसे पूरा मतलब अपसाइड डाउन कर दीजिए, तो देख सकते हो मेरा टेबल का एक साइड डाउन है इसलिए ऐसे हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके इंस्टॉल कर दूंगा डबल साइडेड टेप से। तो गाइस देख सकते हो ये जो पिन है, मैं पिन का जो एरो है मैं इसको इस तरफ रखते हुए इसको यहाँ पे फिट करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, इसको डायरेक्शन में इस तरफ दे रहा हूँ, तो फटाफट से गम निकाल देता हूँ यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसे इंस्टॉल करते हुए जितना हो सके आप इसे अपने एक्यूरेट सेंटर पर रखने की कोशिश करना। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसे पूरा एक्यूरेट सेंटर पे रखने का कोशिश किया ड्रोन के पूरे सेंटर पे, और बाकी का जो वायरिंग है मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि इसका वायरिंग कैसे हुआ है। और मैं इसको वायरिंग को इस तरफ से होते हुए यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्राउंड और पॉजिटिव के लिए VCC इन जो होता है वो ग्राउंड होता है, मैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो पहले वाला पिन है वो VCC इन है, मीन्स ये वोल्टेज इन है, 5 वोल्ट आपको देना है यहाँ से। ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, यहाँ पे क्लॉक और डाटा का है, तो ये आपको आपका जो आर्डिनो बोर्ड है उसमें भी आपको मिल जाएगा क्लॉक और डाटा सेम करके लिखा हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ पे
इस बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने टोटल सर्किट डायग्राम देख के मैंने इस बोर्ड को बनाया है ताकि जो वायरिंग है वो काफ़ी सिंपल हो जाए। और इस बोर्ड का आप अपने बना सकते हो, अपने घर में काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हो। और ये मैं अगर बनाने लगूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाए वीडियो, इसलिए मैंने इसे बना लिया। तो आप सर्किट डायग्राम को देख के इजिली बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे फटाफट से इसे अपने आर्डिनो में फिट कर देता हूँ, बाकी का सोल्डरिंग को काम को कम्प्लीट कर देता हूँ। सो अभी मेन कनेक्शन की बारी आ जाते हैं। तो मेन कनेक्शन में हम लोग इस बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ये बोर्ड मेरा बनाया हुआ बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड से हम लोग जितने भी वायरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल पिन, फिर जो जीरो सेंसर है सबका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सिग्नल्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने 5 वोल्ट बोला है, मैं 5 वोल्ट इस बोर्ड से दे दूंगा क्योंकि इसमें 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि 12 वोल्ट को या फिर 11 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखता है, ये रेगुलेटर है, ठीक है। तो इससे हम लोगों का 5 वोल्ट का सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और आर्डिनो को फिलहाल के लिए तो यहाँ पे आर्डिनो 5 वोल्ट पे भी चल जाता है, तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई ना देते हुए यहाँ पे वोल्टेज इन देख सकते हो, ये मैक्सिमम हैंडल 12 वोल्ट तक कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट ना देते हुए मैं इसी बोर्ड मेरा जो यहाँ पे देख सकते हो ESC, मैं ESC से पावर सप्लाई दे दूँगा क्योंकि ESC का यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। तो मैंने यहाँ से जंपर वायर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का इन दे दिया है मेरे आर्डिनो बोर्ड को। तो इसे फटाफट से इंस्टॉल कर देते हैं क्योंकि ये वायरिंग काफ़ी सिंपल है, आप सर्किट डायग्राम को देख के इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे फटाफट से यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ और वायरिंग कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई दे दिया मेरे जीरो सेंसर को, और यहाँ पे मेरा सिग्नल और सिग्नल डाटा, सिग्नल क्लॉक का मैंने आर्डिनो से पावर, मतलब जो डाटा है जो यहाँ से रिसीव होगा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये सिग्नल का वायर है, ये पावर का वायर है जीरो सेंसर का। अब बारी आती है ESC का, तो इसका कनेक्शन मैं बाद में कर लूँगा जब मेरा ट्रांसमीटर रिसीवर आएगा। तो फिलहाल के मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 पिन करके, ये तीनों पिन यहाँ पे जो 3 पिन करके ये सब मेरा सिग्नल वायर है। तो बीच वाला पावर सप्लाई का है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लगा दूंगा यहाँ से फ्रंट। आप सर्किट डायग्राम में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख के अपने प्रोपेलर का डायरेक्शन देख के लगा सकते हो। और वैसे तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसीवर में इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, क्योंकि रिसीवर जब मैं इंस्टॉल करूंगा तब उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, मतलब कौन सा मेरा फर्स्ट मोटर होगा, कौन सा सेकंड मोटर, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ मोटर होगा। तो मैं फटाफट से इसमें यहाँ पे पहले इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और मेरे पास, मैं नहीं चाहता था ये जो पिंस देख रही है सब मैंने पुराने मदरबोर्ड से कनेक्ट किया है, तो इसलिए परफेक्टली सुंदर से मैं बोर्ड नहीं बना पाया। तो मैं जितना तक हो सक रहा है मैं उतना तक इसको बजट में लाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं छोटे से छोटा चीज़ भी अगर अवेलेबल है तो उसमें खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह लग जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप रिसीवर कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई मायने नहीं है क्योंकि इसके साथ था मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ है। तो यहाँ पे बस अभी रिसीवर इंस्टॉल करना है और बाकी इसमें प्रोग्राम को अपलोड करना है, हम बाकी बाद में ये हमारा ड्रोन फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। तो बस आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली ऑसम कंटेंट लाता रहता हूँ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप इनोवेटिंग, न्यू थिंग्स स्टार्टअप।